क्रोनोकिनेसिस आपके दिमाग की एक ऐसी ताकत जिसकी मदद से आप टाइम यानी वक्त को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों को ये नामुमकिन लग रहा होगा, तो आपको अगर इस टेक्निक के बारे में या इसकी साइंस के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग नॉलेज बैरिक्स। क्रोनो का मतलब होता है टाइम और किनेसिस का मतलब होता है हलचल। क्रोनोकिनेसिस की मदद से आप टाइम को तेज या स्लो कर सकते हैं। बहुत सारी फिल्मों में और मूवीज में क्रोनोकिनेसिस को बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जाता है कि आप पास्ट या फिर फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन क्रोनोकिनेसिस ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी मदद से आप अपने खुद के टाइम को सेंस करने यानी आप अपने टाइम की परसेप्शन को बदल सकते हैं और वक्त सिर्फ आपके लिए रुकेगा या फिर तेज होगा। मतलब ये है कि वो लोगों के लिए वक्त जैसा था वैसा ही रहेगा, बस सिर्फ आप लोगों के लिए वक्त तेज होगा या रुकेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप कोई ख़ास काम करते हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे दोस्तों के साथ गप्पे लगाना या घंटों बैठ के पबजी खेलना। इस वक्त आपका टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता है और पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। लेकिन जब आप क्लासरूम में बैठकर बोरिंग लेक्चर सुन रहे होते हैं, तब ऐसा लगता है कि वक्त रुक सा गया है और टाइम गुजर ही नहीं रहा। लेकिन हकीकत तो ये है कि टाइम जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में आपकी टाइम को सेंस करने की परसेप्शन बदल गई है। अब आप सोचें कि अगर आप टाइम को सेंस करने को अगर आप कंट्रोल कर सकें तो क्या क्या नहीं कर सकते। आप लोगों में जो लोग डीप थिंकर होंगे वो मेरी बात अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। रिसर्चर्स ने एक सर्वे किया था, उन्होंने कुछ सोल्जर्स जो कि बॉर्डर पर होते हैं इनसे पूछा कि आप लोगों को कैसा लगता है जब आप दुश्मनों से बिल्कुल आमने सामने होकर लड़ते हैं। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें आपकी जान पर बन जाती है। तो इन सब सोल्जर्स ने कहा कि ऐसा लगता है कि वक्त बिल्कुल रुक सा गया है या फिर वक्त बिल्कुल धीरे धीरे गुजर रहा है। तो फिर इससे ये बात साबित होती है कि जब आप किसी टफ सिचुएशन में फंसे होते हैं जिसमें आपकी जान भी जा सकती है, तो इसमें आपका दिमाग टाइम को स्लो कर देता है ताकि आप सही तरीके से फैसला कर सकें। असल दुनिया में टाइम इसी हिसाब किताब से चल रहा होता है, बस आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है और जिस चीज़ को आपका दिमाग समझने में 5 मिनट लगाता था अब वो कुछ सेकंड में कर लेता है और आपको ऐसा लगता है कि टाइम स्लो या तेज़ हो गया है। क्रोनोकिनेसिस की मदद से आप अपने दिमाग की ताकत का इस्तेमाल जब चाहे कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि आप क्रोनोकिनेसिस कैसे सीख सकते हैं। और क्रोनोकिनेसिस की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसे आपको समझना और फॉलो करना ज़रूरी है। नंबर 1, बी पेशेंस। पेशेंस यानी सब्र की मदद से ना सिर्फ आप पहाड़ों को पार कर सकते हैं, दरियाओं को तय कर सकते हैं, बल्कि आप वक्त को भी अपने काबू में कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्रोनोकिनेसिस कोई जादुई चीज़ है और इसे चुटकियों में हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्रोनोकिनेसिस को सीखने के लिए आपको चाहिए पेशेंस और लगातार प्रैक्टिस, तभी कर सकेंगे जब आप में पेशेंस होगा। चेंज योर परसेप्शन ऑफ टाइम। बहुत लोगों का मानना है कि रात और दिन वक्त को तय करते हैं, लेकिन असल में टाइम एक फ्लूड है जिसे हम वाकयात की मदद से नापते हैं। रात और दिन वक्त को तय नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ एक इवेंट होता है जिसकी मदद से आप वक्त को नापते हैं। आपकी ज़िंदगी भी एक इवेंट की तरह है जो वक्त के साथ साथ गायब हो जाती है। ये जो मैंने आपको बताया, इसकी मदद से आप क्रोनोकिनेसिस को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इससे आपका बिलीफ और भी बढ़ जाएगा। गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। हम सब अपनी काबिलियत को टाइम के लिहाज से बॉन्ड कर देते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मैं 15 मिनट में सिर्फ 10 पेज ही पढ़ सकता हूँ, लेकिन क्रोनोकिनेसिस में ये थोड़ा उल्टा होता है। वो लोग इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपनी सलाहियत को टाइम के लिहाज से बॉन्ड कर दिया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10 मिनट में 10 पेज पढ़ो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो वो लोग 10 मिनट में क्या 5 मिनट में ही 10 पेज पढ़ डालेंगे। जब कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है, तब आपके अंदर छुपी हुई असली सलाहियत बाहर आ जाती है। जैसे कि आप एक खुले मैदान में हैं, आपके सामने अचानक से एक शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे?
आप इतना तेज भागेंगे कि ओलंपिक के बड़े बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देंगे। आपके अंदर की असल सलाहियत इस वक्त बाहर आती है जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं क्रोनोकिनेसिस को सीखने का तरीका। ऑब्जर्व मोर, यानी ज़्यादा महसूस करें। अगर आपको क्रोनोकिनेसिस सीखना है तो इसके लिए आपको अपनी किसी भी चीज़ को महसूस करने की ताकत को बढ़ाना होगा। जो भी चीज़ें आपके आसपास मौजूद हैं, इन सभी चीज़ों को गहराई से महसूस करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप खुद को महसूस करें, इसके बाद अपने आसपास की चीज़ों को, जैसे कि अगर आप एक पार्क में बैठे हैं तो आप महसूस करें वहाँ बैठे लोग क्या कर रहे हैं, और सभी आवाज़ों को और चीज़ों को फील करें। इससे होगा क्या, इससे आपका दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास की तमाम चीज़ें स्लो हो गई हैं। और इसे आप जितना ज़्यादा करेंगे, इससे आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जब सब कुछ आपके लिए स्लो हो जाएगा और आप कोई भी चीज़ एक आम इंसान के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से कर सकेंगे। ये था क्रोनोकिनेसिस को सीखने का पहला तरीका। दूसरा तरीका, फोकस ऑन टिकटॉक, यानी टिकटॉक पे ध्यान लगाएं। हम यहाँ इस टिकटॉक की नहीं बल्कि घड़ी की आवाज़ वाली टिकटॉक की बात कर रहे हैं। क्रोनोकिनेसिस को सीखने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका ये भी है कि आप एक खाली कमरे में बैठ जाएं, जहाँ बहुत ज़्यादा सुकून हो, और अपने साथ एक एनालॉग वॉल क्लॉक भी ले लें, यानी वो घड़ी जो आपके घरों में दीवारों पर लगी होती है, और इस घड़ी को अपने सामने रख दें। इसकी सुई की आवाज़ पर ध्यान लगाएं, यानी टिकटॉक की आवाज़ पर ध्यान लगाएं। अपनी आंखों को बंद कर लें और टिकटॉक पे ध्यान लगाएं। जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा, आप विजुलाइज करें कि आप टिकटॉक की आवाज़ को अपने मुताबिक कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप चाह रहे हैं कि टिकटॉक की आवाज़ तेज़ हो जाए तो तेज़ हो जा रही है, और जब आप चाह रहे हैं कि स्लो हो जाए तो स्लो हो जाती है। आप टिकटॉक की आवाज़ को अपने मुताबिक काबू करने की कोशिश करें। कंट्रोल योर ब्रीथिंग, अपनी सांसों को काबू में करना। आप टाइम की मदद से भी अपनी सांसों को स्लो या तेज़ कर सकते हैं। अपनी सांसों को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है मेडिटेशन करना। जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस किया है, उनका ये कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वक्त रुक गया है। नियर डेथ एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है, इसमें आपकी रूह आपके जिस्म से निकलकर बाहर चली जाती है और फिर वापस आ जाती है। इसे आप एस्ट्रल ट्रैवल या फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। जिन लोगों ने इसे महसूस किया है, इनका ये कहना है कि हमारी सांस लेना, हमारा टाइम ट्रैवल कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। जब वो मौत के करीब थे तब उनकी सांसें रुक गई थीं, और इसकी वजह से इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो गया और अपनी सारी अटेंशन को एक बार ही में अपने तमाम आसपास की चीज़ों पर डाल दिया, जिसकी वजह से इनके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इनके लिए वक्त आहिस्ता हो गया। इसीलिए आप मेडिटेशन के ज़रिए अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश करें, जो कि आपको क्रोनोकिनेसिस सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लिव इन अ प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में जीना सीखें। आपने और भी बहुत सारी वीडियोस में ये ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि ये क्रोनोकिनेसिस सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बहुत लोगों का ये कहना है कि वक्त को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। असल में प्रेजेंट ही सबसे रियल है। पास्ट जो आपके साथ हो चुका है, इसके बारे में सोचना होता है, और फ्यूचर जो के होने वाला है। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ वो हमारे ख्यालों में ही होते हैं। इनमें प्रेजेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि असलियत में होती है। इसीलिए अगर आप प्रेजेंट में जीना सीख लें, इसी पर फोकस करना सीख लें, तब आप टाइम पर भी काबू करना सीख सकते हैं। चीट योर ब्रेन, यानी अपने दिमाग को धोखा देना। हमारा दिमाग इन कामों से ज़्यादा मुश्किल काम कर सकता है जो कि हम इससे करवाते हैं। इन्हीं कामों में से एक क्रोनोकिनेसिस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके दिमाग की असल ताकत इस वक्त बाहर आती है जब आप किसी दबाव में होते हैं। कुछ ऐसे ट्रिक, यानी कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने दिमाग इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं और इसे चीट कर सकते हैं। इससे आपकी असल सलाहियत बाहर आ जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, आप घड़ी के वक्त को 10 मिनट फास्ट कर दें। इससे होगा क्या,
इससे आपके मसल मेमोरी आपके दिमाग को ये यकीन दिलाएगी कि आप 10 मिनट लेट हो गए हैं। असल में तो आपको पता है कि आपने घड़ी के टाइम को 10 मिनट फास्ट किया है। फिर आप अपने दिमाग में ऐसा विजुलाइज करें कि आपके पास वापस 10 मिनट आ गए हैं। बस आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। पता है ये ट्रिक सुनने में थोड़ा बच्चों जैसा लग रहा होगा, लेकिन इस वेबसाइट के मुताबिक क्रोनोकिनेसिस को सीखने का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज बेसिक्स को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस चैनल की नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जो देखकर आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच, और मैं मिलता हूँ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।